कुरुक्षेत्र हाईवे जाम किया गया, दिल्ली जाने वाला रास्ता जाम किया गया है, उसका की कारण है? वो किसानों का कारण हैगा। नहीं तो हमें किधर वालों ऑर्डर दिए गए ने कि किसानों नू दिल्ली क्यों ना कुछ कदम दिता जाए? ये हमारे को कुछ ऑफिसर्स वालों की हुक्म दिए गए ने कि किन्हां नू रोकना है, हाईवे जाम करने का कारण की है, बैरीकेटिंग का कारण की है? सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो स्काई न्यूज पंजाब, मैं हाँ कोमल सिंगला। इस वेले की वड्डी खबर तुहानू देन जा रहे हैं कि किसानों वालों जिहड़ा दिल्ली कूच करन दा ऐलान 26 तरीक नू किया गया है, उस मुद्दे ते कुरुक्षेत्र पुलिस वालों, हरियाणा पुलिस वालों नैशनल हाईवे जाम किए गए हैं, जिस बारे तुहानू दिखा सकते हैं कि लंबिया लंबिया कतारां ट्रकां दीआं लगिया हुई ने, जिस नाल लोगों नू बड़ी परेशानी का सामना करना पै रहा है। किसानों वालों लगातार ये अंदोलन विड़िया होया है, जिस विच केंद्र सरकार ने जिहड़े खेतीबाड़ी बिल पास किए ने उन्होंने विरोध के विच किसान अपनी जान का जोखम लेंदे हुए, अपनी जान नू बाजी ते लांदे हुए एक संघर्ष कर रही है, तो 26 तरीक नू यानी कि कुछ घंटिया बाद ही दिल्ली कूच करन लई रवाना हो चुकी है। पंजाब के कोने कोने तो किसान रवाना होए ने, उन्हां दा कहना है कि वह लगातार दिल्ली कूच करनगे। स्काई न्यूज़ पंजाब से तुहानू ये स्पैशल फुटेज दिखाई जा रही है, जिस विच तुसी देख सकते हो स्काई न्यूज़ पंजाब से नैशनल हाईवे कुरुक्षेत्र पहुँच चुके हैं असीं, जिथे नैशनल हाईवे उत्ते कुरुक्षेत्र पुलिस वालों बैरीकेटिंग करके पूरा जाम लाया होया है। नैशनल हाईवे बंद करके लिंक रोड तो ट्रकों नू सारी आवाजाही नू कढ़िया जा रहे हैं। इस तो सीधा सीधा जापदा कि मोदी सरकार किसी भी कीमत से किसानों नू दिल्ली कूच नहीं करन देगी। इस वेले की सब तो वड्डी खबर तुहानू स्काई न्यूज़ पंजाब से दिखाई जा रही है, कुरुक्षेत्र रोड से पिपली कोल कुरुक्षेत्र पुलिस वालों नैशनल हाईवे से बैरीकेटिंग करके पूरी तरह जाम कर दिया गया है। इस मौके पर कुरुक्षेत्र पुलिस वालों लगातार जिहड़ा ट्रैफिक है उन्हें डाइवर्ट करके लिंक रोड तो भेजा जा रहा है। इस बारे गल करन लई साडे नाल उरे दे सिक्योरिटी इंचार्ज जिन्होंने नाका लाया रोड ब्लॉक कीती है वह मौजूद ने, उन्होंने गलबात करांगे ते जानांगे उन्होंने विचार। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर आ जिहड़ा कुरुक्षेत्र पुलिस तो तुसीं हो, कुरुक्षेत्र हाईवे जाम किया गया, दिल्ली जाने वाला रस्ता जाम किया गया है, उसका की कारण है? वो तो किसानों का कारण है कि रास्ता जाम होया है। नहीं तुहानू किहदे वल्लों ऑर्डर दिए गए ने कि किसानों नू दिल्ली क्यों ना कुछ कदम दिता जाए? नहीं हमारे को कुछ इधर से व्हीकल डाइवर्सन की ड्यूटी लगी है हमारी, यहाँ से व्हीकल डाइवर्ट कराने हैं। इधर व्हीकल डाइवर्ट करके किस रास्ते तो दिल्ली पहुँचेंगे? यहाँ से लाड़वा जाएंगे, लाड़वा से इंद्री घूम के आगे लिंक रोड से जाएगा। ये रास्ता आगे करनाल निकलेगा, ये आगे पीपली जाएगा, पीपली से लोग कैथल भी जा सकते हैं और इधर यमुनानगर इंद्री और आगे रास्ता खुला है। तुसी किसान इन्हां दे विच तुहानू लगदा है कि किसी किस्म ते किसी गड्डी च लुक के किसी तरह किसान दिल्ली पहुँचेंगे? ऐसे क्या पता चलता है भी गाड़ी में, ऐसे तो कोई गाड़ियां बंद है। तुहानू थोड़े ऑफिसर्स वालों की हुक्म दिए गए ने कि किन्हां नू रोकना है, हाईवे जाम करन दा कारण की है, बैरीकेटिंग दा कारण की है? बैरीकेटिंग का कारण यही है, व्हीकल डाइवर्ट करवाने हैं बस। कोना थोड़ा साइड में तुसी देख सकते हो इस जाम दे विच जिहड़ा लंबी किलोमीटर तक जाम लगे, एंबूलेंसां भी फसिया हुई ने, लंबा जाम कई किलोमीटर लंबा जाम लगे हुआ है। स्काई न्यूज़ पंजाब की टीम इस टाइम जमीनी हकीकत से मौजूद है, कुरुक्षेत्र के इलाके दे विच पहुंची है, जिते एक एंबूलेंस जिन्हों 24 घंटे जिहड़ा अपनी जान ते जोखिम लेके मरीजा की जान बचाते हैं उन्होंने भी साइड तो कढ़िया गया है। साडे नाल सिक्योरिटी इंचार्ज जी मौजूद ने। इंचार्ज साहब क्या लगता है कि कब तक ये रास्ता खोल दिया जाएगा? रास्ता देखो अफसरों के आदेश होंगे, जैसे भी आगे जल्दी खुल जाएगा। आपको लगता है कि कल की डेट में या परसों की डेट में ये रास्ता खुल जाएगा? 26 तारीख है सुबह। नहीं आज रात को ही खुलने की संभावना है, खुल जाएगा अभी आज रात को खोलने की संभावना है। और आपकी तरफ से किसानों को, अगर किसान यहाँ पे आके जबरन कोई कोशिश करते हैं ये रास्ता पार करने की, बैरिकेड क्रॉस करने की, तो आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जा सकता है? हमारी तरफ से समझाएंगे उनको भाई शांतिपूर्वक अपना कार्य करें। ये सन उरे दे सिक्योरिटी इंचार्ज जिन्हें दस्या कि इन्हों वालों इन्हों अफसर वालों हरियाणा सरकार वाले ने सख्त हिदायत है कि किसी भी किस्म से किसानों दिल्ली कूच ना करन दिता जाए। इन्हों का कहना है कि छेती असी रस्ता डाइवर्ट करके आम जनता किसी किस्म की परेशानी नहीं आते रहे। स्काई न्यूज़ पंजाब से ताज़ा तरीन खबर देखने बने रहो स्काई न्यूज़ पंजाब के नाल, कैमरामैन बलजिंदर के नाल कोमल सिंगला कुरुक्षेत्र।